छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से जुड़ी हुई मिल रही है। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव और नगरीय निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। 70 निकायों के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। तो देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां दोनों ही पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को इंतजार था नगरीय निकाय चुनाव की कोई घोषणा का, तो ऐसे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव और नगरीय निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 70 निकायों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी। अनमोल, नवंबर दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर क्या कुछ जानकारी अपने पास? अब बिल्कुल देखिए अंजलि, देखिए एक बहुत बड़ा चुनाव अब फिर से एक बार होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कवायद शुरू हो गई थी नगरीय निकाय चुनाव की, और अब बस कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, 2 से 3 महीने में जो है चुनाव होगा, 1 से 1.5 महीने में आचार संहिता भी लग जाएगा। तो अब देखिए इसकी तैयारी जो है शुरू हो गई है, जो चुनाव आयोग है इसकी तैयारी शुरू कर दिया है, परिसीमन भी लगभग पूरा हो चुका है, अधिसूचना भी जारी हो गई है, और जैसा कि आप बता रही थी कि इस बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार बैलेट पेपर से मांग कर रहा था चुनाव का, क्योंकि ईवीएम में हमेशा से गड़बड़ी का भी आरोप लगाते आया है विपक्ष। तो नगरीय निकाय चुनाव अब देखना दिलचस्प हो गया है कि जहां बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो अब कोई इसमें बहानाबाजी नहीं हो सकता है, कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा पाएगा फिर से, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नगरीय निकाय चुनाव, और दोनों ही पार्टियां जो है जोरों शोरों से जो है तैयारी में जुट गई है। तो होगा ही, एक तो खास बात ये जैसा कि आपने बताया कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, साथ ही साथ खास बात ये भी है कि सरकार जो है बिल्कुल तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार नगरीय निकाय चुनाव, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हमलावर सरकार पे नजर आ रहा है। ऐसे में दिलचस्प हो जाएगा अपने आप में नवंबर दिसंबर में होने वाला नगरीय निकाय चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए।